भाजपा सांसद रविंद्र पांडे इस वक्त दिल्ली में हैं, लगातार कांग्रेस कार्यालय पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि धनबाद टिकट को लेकर कांग्रेस के आलाकमान से वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। 5 बार सांसद के तौर पर लोगों के सामने आए हैं। गिरिडीह से उन्होंने 5 बार चुनाव जीता है और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी, क्योंकि आज राम टहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थामा है और यही कयास लगाए जा रहे थे कि रविंद्र पांडे भी आज ही कांग्रेस का दामन थामेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि क्या रविंद्र पांडे सही में कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं या फिर अन्य कार्य से वो कांग्रेस कार्यालय गए थे। चलिए इस वक्त इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रंजन जी, बातचीत करेंगे कि एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, आपने आज देखा होगा नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का एक बड़ा बयान आता है और उनका यही कहना होता है कि जो 2 पूर्व सांसद दिल्ली वे हैं उनसे लगातार वो कांटेक्ट कर रहे हैं, हालांकि उसके बाद राम टहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। रविंद्र पांडे की बात करेंगे तो उनका कहना था कि वो नहीं जाएंगे, वो निजी कार्य से दिल्ली गए हुए। तो क्या निजी कार्य से वो दिल्ली गए हैं कि उन्हें कांग्रेस कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है? रंजन जी, अजय, ये बताने की जरूरत नहीं है, चुनाव का समय है। और ये भी बात है कि देखिए, जब पिछली बार रविंद्र पांडे का गिरिडीह से टिकट कटा था तो उसकी वजह बहुत साफ थी कि जो गिरिडीह की लोकसभा सीट है वो गठबंधन में आजसू के पास जो है वो चली गई थी और वहाँ से चंद्रप्रकाश चौधरी जो है वो चुनाव लड़े थे और इस वजह से रविंद्र पांडे का टिकट कटा। उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव हुआ लेकिन जो है उन्हें वो टिकट नहीं मिला और उसके बाद वो प्रतीक्षा में थे। लेकिन जब एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और गिरिडीह सीट पर घोषणा नहीं की तो ये बात क्लियर हो गया है कि अब जो है गिरिडीह सीट एक बार फिर से आजसू के पास ही रहेगी। तो इन सब परिस्थितियों में जो है रविंद्र पांडे जो है वो कांग्रेस की ओर आकर्षित हो सकते हैं टिकट के लिए, क्योंकि अब एक सवाल और भी है कि गिरिडीह जो सीट है वो जेएमएम के पास चली जानी है क्योंकि मथुरा महतो का नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर रविंद्र पांडे चुनाव लड़ें तो कहां से लड़ें, क्योंकि गिरिडीह जो है वो उन्हें मिलेगा नहीं, वहां भी वही गठबंधन का पेच फंसा हुआ है कि वो सीट जो है आपको जेएमएम को जा रही है। धनबाद से अगर उन्हें उम्मीद रही होगी तो वहां पर अब ढुल्लू महतो आ गए हैं तो वो भी जो एक उम्मीद थी वो भी उनकी टूट गई। तो खबर ये है कि वो जो है धनबाद के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे वो प्रयास तो कर रहे हैं कि दोनों में से किसी जगह भी मिल जाए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि जैसा आपने आज खबर ब्रेक भी किया था दिन में कि अमर कुमार बावरी ने कहा है कि दोनों सांसदों में से कोई भी जो है वो पाला नहीं बदलेंगे, हालांकि ये बात उसी वक्त गलत साबित हो गई जब राम टहल चौधरी ने शाम में जो है वो पाला बदल लिया और वो कांग्रेस में विधिवत शामिल भी हो गए। लेकिन एक बात है कि रविंद्र पांडे अब तक शामिल नहीं हुए हैं, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि अभी दो बातें हो सकती हैं, या तो कि बीजेपी से उनकी कोई बात हुई हो, भविष्य के लिए कोई आश्वासन मिला हो तो वो रुक गए हों, या दूसरी बात ये हो सकती है कि कांग्रेस के साथ उनकी डील जो है वो फाइनल नहीं हुई हो। कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा था कि धनबाद से ददई दुबे को शायद कांग्रेस आगे कर सकती है, हालांकि एज फैक्टर है, लेकिन कांग्रेस फिर भी यही कह रही है कि शायद ददई दुबे को हम लोग आगे कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर चांसेस है कहीं भी रविंद्र पांडे का? क्या यही डील नहीं हो पा रही है दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में? शायद आला कमान की ओर से जो कहा जा रहा है ये नहीं समझ पा रहे, यही वजह है कि आज उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं थामा? देखिए, ददई दुबे जो है वो यूनियन लीडर के तौर पर जाने जाते थे, तो आपको बताऊं कि जो रविंद्र पांडे के जो पिताजी थे वो भी जो है श्रमिक नेता थे और उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा रही थी और वो बहुत जाने जाते थे। तो एक चीज़ जो होता है धनबाद गिरिडीह क्षेत्र में, आप देखते हैं कि जो श्रमिक नेता होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे आप कम्युनिस्ट से एके राय की बात कर लीजिए, वो पहले भी सांसद रह चुके हैं धनबाद के। तो वैसी परिस्थिति में रविंद्र पांडे जो हैं वो अपने पिता के बल पर, जो उनका एक बैकग्राउंड है कि वो श्रमिक नेता थे, उस आधार पर जो है उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। दूसरी तरफ ददई दुबे हैं, 2004 में धनबाद से सांसद बने थे, तो उनकी भी अपनी इच्छा है। और जहां तक उम्र की बात है तो आप ये कह सकती हैं कि उम्र जो है वो रविंद्र पांडे के पक्ष में है और ददई दुबे के खिलाफ जा रहा है। लेकिन यही बात है, वही पेंच फंसा हुआ है कि कांग्रेस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है। अगर निष्कर्ष पर पहुंचता तो अब तक उम्मीदवार घोषित हो गया होता, तो वहां पर भी एक उहापोह की स्थिति जरूर है, ना
नाप तौल रहे होंगे, चूंकि दोनों का जो अगर आप देखें तो अब ये समझने की बात है कि किसे टिकट देना जो है उनके लिए बेहतर साबित होगा। क्योंकि देखिए धनबाद जो सीट है वो ट्रेडिशनली अगर इधर आप पिछले 30 सालों में देखें तो वहां पर भाजपा का जो है वो दबदबा रहा है, तो ऐसे में वो सीट निकालना, अब जबकि पीएन सिंह का टिकट कटा है, कुछ कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को एक संभावना वहां दिख रही होगी और यही वजह है कि वो हर चीज जो है बहुत आपको आकलन करने के बाद ही फैसला लेना चाहेगी। कांग्रेस इस क्षण में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रही है, अगर रिस्क लेना चाहती तो पहले ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाती, लेकिन कांग्रेस चाह रही है कि तमाम चीजों को पहले हम लोग आकलन करेंगे उसके बाद ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। देखिए रांची बेस्ट एग्जांपल है कि रांची से सुबोध कांत सहाय का नाम सामने आ रहा था, लेकिन फिर भी होल्ड में कांग्रेस ने रखा रांची लोकसभा सीट को, ताकि आने वाले समय में अगर चीजें और स्पष्ट होगी तभी कांग्रेस जो है वो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। तो यही वजह है क्या कि धनबाद में अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है? अब तो धनबाद में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है और बहुत साफ कर दिया है कि वो ओबीसी के को लेकर जो है आगे जा रही है। ढुलू महतो ओबीसी कैंडिडेट हैं तो वो अब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब रविंद्र पांडे और ददई दुबे दोनों जो है वो फॉरवर्ड क्लास से होते हैं, तो इस चीज को अब देखना है, कांग्रेस को तय करना है। क्योंकि देखिए कांग्रेस के सामने एक बात और भी है कि कांग्रेस चुनाव से पहले चाहे राहुल गांधी की आप जितनी सभाएं सुनिए सभी में वो ओबीसी को लेकर बहुत कुछ बोलते रहे हैं, तो उनके सामने भी कुछ जो है वो बातें हैं जो उन्होंने खुद कह दी हैं, तो अब उसे कैसे वो काट कर निकल सकते हैं। मैनिफेस्टो में भी है 27% ओबीसी आरक्षण। जी हाँ, और अगर आप यहाँ पर देखिए तो जो आपको हजारीबाग सीट है वहां पर भी कांग्रेस ने इंतजार किया, कैंडिडेट जो है उस तरह से उन्हें मिल नहीं रहे, तो फिर वो बाद में जो है बीजेपी से जेपी पटेल आते हैं और उनको जो है वो सीट देती है। तो ये चीजें होती हैं कि देखिए जब चुनाव का समय आता है तो राजनीति में ये भी चीज देखी जाती है और लोगों तक संदेश देने की कोशिश होती है कि देखिए हम जो है वो जीतने वाले हैं और विपक्षी दल के जो प्रत्याशी थे या जो कार्यकर्ता थे नेता थे वो निकलकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। यहाँ पर तोड़ जोड़ की राजनीति भी देखने को मिल रही है। चारों तरफ आप देखिए सीता सोरेन जेएमएम से बीजेपी में आ गई, जेपी पटेल जो है वो बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, आज राम टहल चौधरी हालांकि पिछले चुनाव में भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था लेकिन अब वो जो है फिर से वो कांग्रेस में चले गए। तो अभी चूंकि चुनाव का समय है तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर अगर आप कहें तो अब ये देखना दिलचस्प है कि रविंद्र पांडे अगर आज शामिल नहीं हुए हैं राम टहल चौधरी के साथ तो एक सवाल तो अब हर किसी के मन में जरूर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पेंच तो फंसा है और वो उम्मीदवारी को लेकर ही हो सकती है वो पेंच, या फिर रविंद्र पांडे की बीजेपी से बातचीत हो गई है। तो देखिए भाजपा के दो पूर्व सांसद रविंद्र पांडे और राम टहल चौधरी दिल्ली पहुंचे थे और यही कयास लगाया जा रहा था कि दोनों ही कांग्रेस का दामन थामेंगे, लेकिन सिर्फ राम टहल चौधरी कांग्रेस का दामन थामे, रविंद्र पांडे अब तक कांग्रेस का दामन नहीं थामे है। अब सवाल ये उठता है कि लगातार कांग्रेस कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं, तो आखिर पेच कहां फंस रहा है? धनबाद सीट को लेकर लगातार रविंद्र पांडे अपनी बातों को रख रहे हैं, उनका कहना है कि धनबाद से अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर रविंद्र पांडे कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं करते हैं और धनबाद से आखिर कांग्रेस की ओर से कौन उम्मीदवार सामने आता है। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत, नमस्कार।